अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम एलोवेरा जेल क्यूब्स बनाने जा रहे हैं। तो एलोवेरा जेल क्यूब्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस तरह से एलोवेरा लीफ ले लेने हैं और इनको वॉश कर लेना है अच्छे से। अच्छे से वॉश करने के बाद हमने इसकी साइड्स को कट कर देना है। इस तरह से हम एलोवेरा की जो साइड्स हैं उसको कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी साइड्स को कट कर लेंगे। ये जो हम एलोवेरा जेल क्यूब्स बना रहे हैं ये आपके जो एक्ने मार्क्स होते हैं उनको रिमूव करेंगे, उसके अलावा आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनको भी रिड्यूस करेंगे और आपकी जो एक्ने की प्रॉब्लम है उसको भी ख़त्म करेंगे। उसके अलावा ये आपके स्किन को नेचुरल ग्लो भी देंगे। तो इस तरह से हमने इसकी साइड्स को कट कर लिया है। साइड्स को कट करने के बाद हम इसको फिर से वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करना है हमने इसको। अच्छे से वॉश करने के बाद हमने इसको क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेना है। इस तरह से हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेंगे। इस तरह हम इसको क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेंगे। क्यूब्स में कट करने के बाद हम इसकी जो फर्स्ट लेयर होगी उसको रिमूव कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसकी फर्स्ट जो लेयर है उसको रिमूव करते जाएंगे। ये देखने इसी तरह से सेम हम इसके जितने भी एलोवेरा जेल के हमने क्यूब्स बनाए हैं उनकी जो फर्स्ट लेयर है ना वो हम रिमूव कर देंगे। ये जो एलोवेरा क्यूब्स होंगे ये आपकी जो एक्नी होती है उसको भी रिमूव करते हैं, उसके अलावा आपको नेचुरल ग्लो देते हैं और आपकी जो ड्राइनेस होती है आइज़ के पास उसको भी रिड्यूस करते हैं। तो जी, जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास जितने भी एलोवेरा जेल के क्यूब्स हैं मैंने उनकी जो फर्स्ट लेयर है वो मैंने रिमूव कर दी है। तो अब ये जो हमारे पास एलोवेरा जेल के क्यूब्स हैं इनको हमने फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो जी, 4 to 5 hours हो गए थे और मैंने ये जो एलोवेरा जेल के क्यूब्स हैं इनको फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। आपने इस तरह से एलोवेरा जेल का एक क्यूब लेना है और उसको अपने फेस पे रब करना है। अपने फेस पे रब करने के बाद आपने 10 to 15 minutes के बाद अपना फेस वॉश करना है सादा पानी से, ठीक है। अगर आप रात को एलोवेरा जेल का क्यूब यूज़ कर रहे हैं अपने फेस पे तो बेटर यही है कि आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद अपना फेस वॉश नहीं करें बल्कि वैसे ही सो जाएं और सुबह मॉर्निंग में आप सादा पानी से अपना फेस वॉश कर लें। इस तरह से एलोवेरा जेल के क्यूब्स आप बना के स्टोर कर सकते हैं 1 to 2 weeks के लिए और आप रोज़ाना डेली बेसिस पे 2 से 3 दफ़ा इस एलोवेरा जेल के क्यूब्स को अपने फेस पर अप्लाई करें। जब आप ये एलोवेरा जेल के क्यूब्स अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो आपके जो ओपन पोर्स होंगे वो भी क्लोज़ हो जाएंगे। ये जो एलोवेरा जेल के क्यूब्स होते हैं ये आपके फेस को मॉइस्चराइज करते हैं, उसके अलावा आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, ड्राइनेस होती है उन सबको भी रिमूव करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।